ये रिश्ता क्या कहलाता है शो पिछले काफी समय से चर्चा में है, जब से डीकेपी प्रोडक्शन टीम ने शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को शो से हटाने का ऐलान किया। तब से लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब तक इन दोनों स्टार्स को बाहर किए जाने पर कई स्टार्स ने अपने बयान दिए। हालांकि शो के प्रोड्यूसर राजन शाही चुप ही थे, लेकिन अब प्रोड्यूसर राजन शाही, जो अब तक पूरे टर्मिनेशन मामले पर चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने हाल ही में दोनों स्टार्स पर इनडायरेक्टली निशाना साधा। राजन ने बातों बातों में कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सीधे तौर पर शहजादा और प्रतीक्षा की एग्जिट के पीछे के कारण से जोड़ा जा रहा है। दरअसल हाल ही में राजन ने अनुपमा के सेट पर इफ्तार पार्टी दी। इस दौरान सेट पर तमाम स्टार्स मौजूद दिखे और उनके साथ साथ मीडिया कर्मी भी थे। इसी दौरान टेली मसाला से उन्होंने बात, जहां उन्होंने कहा कि आमतौर पर डेली सोप के स्टार्स को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय नहीं मिलता, इसलिए ऐसे मौके जरूरी होते हैं जहां सभी शो के कलाकार आते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी के मौके का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान ये पूछे जाने पर कि क्या कई बार सभी स्टार्स को संभालना मुश्किल होता है, राजन ने इसी दौरान क्या कहा, अब ये सुनिए। राजन कहते हैं कि वो किसी से भी परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, चाहे वो एक्टर हो या क्रू में से कोई। उन्होंने खुलासा किया कि जिन स्टार्स के इरादे अच्छे होते हैं वो प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ जाएंगे, और जिन स्टार्स के साथ प्रोडक्शन टीम या शो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, किसी तरह उनका रिश्ता टूट जाता है और वो शो छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कड़ी मेहनत और अनुशासन है, जिसकी वो एक अभिनेता में सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वो कोई समझौता नहीं कर सकते। अब भाई राजन ने जिस तरह से अपने इस बयान में स्टार्स की मेहनत और अनुशासन की बात कही है, उसे सीधे तौर पर शहजादा और प्रतीक्षा के लिए तंज ही माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों स्टार्स पर सेट पर मिसबिहेव और अनप्रोफेशनल होने के आरोप जो लगे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कई स्टार्स ने खुलासा किया है कि प्रतीक्षा और शहजादा दोनों का सेट पर रवैया अच्छा नहीं था और दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बिताते थे, जिससे शूटिंग काफी डिले होती थी। खैर, अब तक शहजादा और प्रतीक्षा ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में जनता अब भी इस उम्मीद में है कि दोनों स्टार सामने आए और खुद इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्ट करें।